लगता है हथौड़ा यहीं पे टकराएगा। मगर दादा भाई, इसके लिए आपको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक फोन कर लिया होता। पांडु छोड़ो दे त्याला। अगर मैं शर्त हार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कमान कमान फास्ट फास्ट कर मैम साहब, ये आप सभी शर्त लगाई से कहा? लाइए लाइए, शर्त के पैसे निकालिए, टाइम नहीं है। हो गया, आप शर्त हार गई। अरे कहाँ दौड़ा जाता है? छोटू नहीं दादा भाई, मोंटी। मोंटी, आप जानते हैं मैं कभी जीते शर्त के पैसे वापस नहीं करता, जानते हैं ना? ओके, आई सी यू लेटर। अरे देखा, हिल लिया भगवान। लगता है बहुत लाड़ प्यार से पाला है आपने अपने भाई को, है ना? अब बस यही हमारे कमजोरी है मैम साहब, अब का बताई तो का। और ससुराल जाना था कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, बस फायदा उठा ही लेते हैं। अब देखा आपसे शर्त लगा से कि नहीं, हां कितना लगेगा भाई? अब 1500 ही थे ही। अरे 1500 होते है इल्ले, एक दो तीन, 1500 रुपया ये लो गिल्ले। अरे नहीं नहीं दादा भाई, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ला ला ला, रखा रखा रखेगा। मगर दादा भाई, वो पैसे मेरे थे ही नहीं। तो हार नहीं रहा है? फिर भगवान का प्रसाद ही समझ लीजिए। अब वो मैं खाऊं या वो खाए, क्या फर्क पड़ता है? ला हमारा रुपया वापस दे। ये क्या हो रहा है? कौन मर गया का? अरे चलो निकलो यहां से, भागो भागो, खाली करो ये जगह। चलो चलो चलो, क्यों छोड़? अबे छोड़! क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कि बच्चे अंदर बम रखा है? लॉकअप के साथ पुलिस लाइन भी उड़ जाएगी, खुद तो मरेगा, मेरे को भी मरवाएगा साला। ससुराल लॉकअप में बम तुम्हारी रखे रहो ना, ताकि बिहारी जबान खोले से पहले खत्म हो जाए और तुम्हारा जौन उल्टा सीधा काम है वो छुपा का छुपा रह जाए। ज्यादा हमसे होशियारी कराता बाबा इंस्पेक्टर साहब, और पुलिस स्टेशन में जौन आदमी बम रखे रहा ये है ससुरा, डर लेगा हराम ज्यादा। ए आके का दिखाते पे मारा बाबा खींच के तो कब ले जा ले जाएगा। चलो ले चलो इसे। हाँ ले जा। क्यों दादा भाई, चलो चल। ससुर के अन्ना और दादा मुनि कौन है भैया? ओहो तुम आओ यहाँ आए गए कैसे भैया? हमसे कोनो काम है का? आमी पत्रकार बीबीसी। बीबीसी? हाँ ये का होता है? बाशु बंकिम चंद्र क्या करा था? हमारा बैटरी कभी कभी डाउन हो जाता है, ऐसा छूने से रिचार्ज हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। गाड़ी का बैटरी डाउन हो जाते ही तो हम सुना रहा। हाँ। आदमी का बैटरी डाउन हो जाते ही पहली बात सुन रहा है हम। और एक बात बताई तो, ये जो तुम्हारा बाल है ना, चूल 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 चूल, ये जो चूल है तुम्हारा, हाँ। बहुत बढ़िया है। वो इससे भी बढ़िया था, इतना लंबा था। अच्छा, वो हिंदू मुसलमान का राइट में आधा कट गया। कैसे? वो हम रिपोर्ट लिखने गया था, वो गुंडा लोग हमको लड़की समझ के पीछे पड़ा, वो तलवार से आधा कट गया, चूल कट गया, हम बाल बाल बच गया। तेरे की। गोशन, गोशन। आजा बैठा बैठा बैठा। हाँ बैठ जा। ये हम सिगरेट खा सकता है? सिगरेट खा सकता है? अरे सिगरेट पिया की चीज होता है, खाए की थोड़ी ना। नहीं हम बांग्ला में सब खाता है, पीता नहीं। आप सिगरेट नहीं खाता है? अरे सिगरेट ना खाए हमार दुश्मन, ये देखा ये फाई फाई फाई, ये है दादा भाई की असली पसंद।
बाबा रे पूरी बाबा ये की ड्रामा बाहर से कुछ अंदर से कुछ बिल्कुल तुम्हार जैसे मतलब मतलब ही भैया हाँ कि तुम ठहरे पत्रकार हाँ तुम्हार रिश्ता होए का चाहे गम के साथ या तो फिर रम के साथ ये बम के साथ जौन तुम्हार रिश्ता बन गवा हमार खोपड़ी में घुसत नहीं है आज जौन पुलिस स्टेशन में तुम बम लेके भागे हो हमका तो ऐसा लगा कि तुम्हार बहुत पुराना रिश्ता है उसके साथ नहीं वैसा नहीं है वो क्या है वो बिहारी गुंडा था ना उसका हम छोबी उतारने को गया था उधर हम बम देखा हमारी वो कहते हैं ना कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने वो मजबूरी में बहादुरी दिखाया अच्छा लेकिन दादा भाई आपका आपका ये हाथ एकदम हथौड़ा है आर्मी वाले जैसा आप बम को बिल्कुल नहीं डरता है अब का बताई भैया हमार तुम्हार कहानी जौन है वो बहुत मिला जुला था समझो कि नहीं अब देखा बिना कोनो दादागिरी किए तमाम शहर वाले हमार नाम रख दिए हैं दादा भाई और तो और इनाम के पीछे एक और नाम जोड़ दिए हैं हथौड़ा हथौड़ा अभी सबके बाद अगर हम डर जाए हाँ। तो काहे का दादा भाई काहे का हथौड़ा बताओ हाँ? दादा भाई आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है हाँ। आपका इंटरव्यू लेना चाहिए आपके पास विजिटिंग कार्ड है विजिटिंग कार्ड अरे बाप हाँ? विजिटिंग कार्ड का जरूरत नहीं पड़ा था क्यों हमार नाम ले करके कौनो रिक्शा वाला पुलिस वाला टैक्सी वाला के दे देबो तो सीधा लाए करके हमार दरवाजा के आगे तो का उतार दई है समझो अच्छा दादा भाई अरे ये लड़की को तो भूल गए हम हाँ अच्छा भैया जाए थे आए हाँ राम राम गुस्सा बहुत करता है बीड़ी भी पीता है अब रह गई दो बातें चाय बिना शक्कर की पीता है कि नहीं और बोलता कितना है स्माइल प्लीज देखा भैया हैं जाऊन इंटरव्यू तुम ले चाहत हो का करबो यही ना कि हम पैदा कहाँ हुए हमार माता पिता का नाम का है हम हुआ से हिया कैसे आ गए हिया हम का किया यही जानना चाहत हो ना ए गंगू भाई अरे सुना 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 तुम्हार जो प्योर दूध वाला स्पेशल ताजगी वाला चाय है दूसरा प्याला हमका दे दिया ये देखा बीबीसी साहब है नमस्कार हमारे इंटरव्यू नहीं है हाँ जल्दी करा ए सुरमान भाई देखा था इंटरव्यू कल हमारे अखबार में फोटो छप जाए हाँ फोटो छाप दे बनो भैया हाँ छाप देंगे दादा भाई बहुत बैठा 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 देखा तुम जोन पूछा चाहत हो वो हम सब जाना था हम जो बोले वाला है वो सुन लो अरे ओ मौलवी भैया ये देखा इंटरव्यू इंटरव्यू होता बैठ जा बैठ जा हाँ भैया बोला ये लो भैया दो कप असली ताजगी वाली अमीरी तुम दोनों के लिए और बाकी गरीबी सबके लिए ठीक है गंगू भाई अमीरी अमीरी चौक गयो ना अरे हम समझाए थे तो का अमीरी का मतलब होता है दूध ज्यादा पानी कम और गरीबी का मतलब होता है पानी ज्यादा दूध कम अरे नहीं भैया पानी है पानी होता है दूध का तो केवल खुशबू होता है हाँ बोला भैया कितना शक्कर डालिए मैं एक चम्मच एक एक चम्मच चाय ये तुम्हार हो गई और ये हो गई हमार आप शक्कर नहीं खाता है अरे शक्कर ना खाए हमार दुश्मन ये देखा एक दुई तीन चार और ये पांच ये देखा था एक अब बोला था खड़ी चम्मच की चाय चम्मच खड़ा हो गया हाँ खड़ा हो गया मीठा तो नहीं हमका ज्यादा जरूरत पड़ा था एक चाय देखा और एक डाल दिया बस ये गवार डायबिटीज से मरेगा इतनी बकबक करने वाला कर्नल सूरी हो ही नहीं सकता कैसा भैया बीबीसी हाँ? का अरे हम जाना था तुहार मन में का चला था नहीं नहीं आवाज बहुत होते ना अब देखा भैया का बताई तो से चाय पिए का जौन तरीका है हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं पिया जाता है इस शहर वालन की तरह हम चाय नहीं पी सकते हैं ये जौन चूहिया की तरह मुँह लगा के ये जो खुदुर बुदुर करा था ना ये हमसे नहीं हो सकता
चाय पिए का असली मजा जौन है वो एहमा है। का था भैया सुलेमान का? हाँ। अब मुजरा देखे जाए और घुंगरू की आवाज ना हो तो कहे का मुजरा। सही कहा। गंगू भाई कौन है ये? कोई प्रेस वाला है, दादा भाई का इंटरव्यू ले रहा है। मगर दादा भाई आज बोल बोल कर किट कॉल की तरह उसे खटिया से ऐसा चिपका देंगे कि उखड़ने का नाम ही नहीं लेगा। हाँ भैया अब सुना हमार कहानी। चलो थे। हाँ। कोई मर गया क्या? अरे मरा नहीं, मरा वाला है, सामने वाले घर में शादी होते। हाँ। एक और फंसा ससुरा। अरे मुन्ना सुना हो, ए तनिक बलवंत के बोला ही गाना बजाना बंद करे, हमारा इंटरव्यू चला था, टिपवा में आवाज कैसे घुसी? दादा भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, शॉपिंग के लिए जाना है। का बलवंत की शादी की? शॉपिंग? शादी की नहीं, अर्थी की। अरे कौन उठ गया बका? वो रामू चाचा थे ना। अंतिम संस्कार का सामान लाने को शॉपिंग बोलता है यंग जनरेशन। अरे भैया बीबी से। हाँ दादा भाई। हमका तुरंत रामू चाचा के यहाँ जाएगा पड़े। हाँ। ये इंटरव्यू कोनो और दिन नहीं हो सका? हाँ हो सकता। हाँ तो ऐसा करा था है। हाँ। कि परसों इतवार के दिन हमारा जन्मदिन है। हाँ खूब गाना बजाना खाना पीना हो, तुम आओ आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाए, पर आज हमका जाएगा पड़ी भैया। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा राम राम राम। अच्छा राम राम भैया। प्रणाम प्रणाम। राम 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 सर। गुस्सा भी करता है, शक्कर वाली चाय भी पीता, बीड़ी भी पीता, बातें भी बहुत, शक्कर वाली चाय भी पीता, गुस्सा भी, बातें भी बहुत करता, बातें भी बहुत, बीड़ी भी पीता। अब सिर्फ एक बात रहे, एक बात रहे, उसकी फिंगरप्रिंट। कौन है? उड़ी बाबा। वाओ। ये अपनी चॉइस का मामला है। वाह क्या मसल्स बनाए हैं आपने, लगता है आपको कसरत का बहुत शौक है ना? नहीं वो कसरत कभी कभी कभी, वो सलमान उसका फोटो सेशन किया था ना हमने, वो तब से हमको भी थोड़ा सा चौसका लग गया, वो कसरत का ये सब सामान, वो कसरत का वो यही बच्चा दिया। वेरी नाइस बॉय, वेरी गुड बॉय, ही इज वेरी नाइस चैप। मैं यहाँ बंगला साड़ी पहन के आई हूँ, वो नहीं देखता, बस भलती बातें किया जा रहा है। लगता है ये पुलिस वाली सोच रही होगी कि मैं बांग्ला साड़ी पहन के आई हूँ और ये देखता ही नहीं, भलती बातें किए जा रहा है। कुछ भी कहो ये तीखी मराठन बांग्ला साड़ी में रसगुल्ला लग रही है। वेरी नाइस बॉय। तुम कुछ सोचता है? नहीं सोचना क्या है, हम पुलिस वाले सोचते कम है करते ज्यादा है। इज्जत खतरे में है, लगता है इसके इरादे नेक नहीं है। अजीत बेटे फुटाई से, वरना तेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। लगता है आप भी कुछ सोच रहे हैं ना? हाँ हम समझ गए, आप अपना छोबी लेने को आए हैं। ये आपका छोबी, वो सलमान का छोबी तो उसका मसल हमसे बड़ा है, उसका छोबी घर में चिपकाएगा ना, आपको प्रेरणा मिलेगा। क्या करूं मैं इस डाउन बैटरी का, साला मैं इसके मसल की तारीफ कर रही हूँ और ये सलमान के गुण गा रहा है, लगता है इस बुद्धू बंगाली का बाजा अब मेरे को ही बजाना पड़ेगा।